इमरान खान अपनी जीत पे जय वाली भी कह रहे हैं, लेकिन अदालत ने कोई बात देखे आज आपको दिखाई दे रहा है क्या जी मोबाइल लीजिए तो आज कैमरा कभी फाड़े की अच्छी और बुदा के बंदे चकवाल जिसने कल आपने कहा कि चकवाल में खड़े होकर को आर्मी की तैनाती बड़े याद आई तो फिर बेचैनी भी लगी, फ्रस्ट्रेशन भी दिखाई दी इमरान खान साहब की, तो ये क्या वजह है कि वो चकवाल पहुंचे तो फिर वो जो खामोशी इख्तियार की थी वो दोबारा जो है उसमें तेजी आ गई, तो ये चकवाल की जमीन का को पानी था इस चीज़ का जिस वजह से उनको आर्मी चीफ की तैनाती बड़े जोर की याद आई? जमीन का पानी नहीं है, तो कुछ ऐसे लोग जो उनके स्टेज पे भी बैठे हुए थे वो ओवरऑल एक्सेस है, और मैंने कल अपनी ट्वीट में वो कह भी दिया था, लेकिन देखिए चकवाल के जलसे के अंदर कुछ बातें बहुत प्रोमिनेंट थी। मैं इमरान खान के बारे में बात करूँ, मैं बिल्कुल समझती हूँ कि वो नॉन इशू है, वो एक ऐसा इशू है जिसको हमें सबको डिस्कार्ड करके पाकिस्तान के रियल इशूज पे फोकस करना चाहिए। हाउएवर वो बेरुखी की जो जो मुनाफ़त है ना उसको पाकिस्तान की कौम के सामने एक्सपोज करना भी उतना ही ज़रूरी है। तो कल मैंने कुछ चीज़ें नोट की, मैं उस अजाब से उनकी जो तकरीर है उसको सुनने के अजाब से गुजरना पसंद नहीं करती, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि वो इन्होंने अभी जो फरमाया कि मिस्टर एक्स मिस्टर वाई खौफ के बुत तोड़ दो, क्या अपने लोगों को वो कह रहे थे कि खौफ के बुत तोड़ दो और ग़ुलामी की जंजीरों से आज़ाद हो जाओ, अगर ये तुम्हें डराएं तो तुम उनको डराओ, तो ये तुम्हें धमकाएं तो तुम उनको धमकाओ। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर मैं वहाँ सामने खड़ी होती तो मैं ये सवाल करती कि आपके अंदर ख़ुद उनका नाम लेने की हिम्मत नहीं है, आपकी टांगें थर थर कांपती, आप कहते हैं मिस्टर एक्स मिस्टर वाई, अगर आपके अंदर नाम लेने की हिम्मत नहीं है तो कौम को क्या सबक दे रहे हैं कि वो उनको ललकारे उनको डराए उनको धमकाए? मरियम आपके दौर में, और फिर वो ये कहते हैं एक और बात भी देखिए, उन्होंने कहा कि ये खबरें टीवी पे आई कि उन्होंने इस चीज़ से उनको बुरा लगा ये कि उनके जो पार्टी के लोग हैं उनके एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात हैं और वो खुफिया मुलाकातें करते हैं, तो मैं तो पहले सबसे ये पूछूंगी कि वो उन्होंने कहा कि मुझे बता के मुलाकातें हों, तो आपने कभी पार्टी को बताया कि आप किस किस से खुफिया मिलते और क्या क्या बातें करते हैं? जब धरने में लोगों को आपने 2014 के बाद जो धरना था उसमें आपने लोगों को कहा कि उंगली उठने लगी है, ये हो गया है वो हो गया है, हम आज़ादी के लिए आए हैं, और जनरल रहील शरीफ ने बुलाया तो हंसते हंसते निकल गए, वो धरने के लोगों को बता के गए थे कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ और मैं खुद कहाँ रात को छुप के किसके पास अंधेरे में मुलाकात के लिए जा रहा हूँ? तो अपनी पार्टी से आप वही बात करें जो आप खुद करते हैं, ये नहीं हो सकता
कि जलसों में खड़े होकर आप किसी को ललकारें और रात के अंधेरे में आप अगलों के पांव पड़ जाएं, ये नहीं हो सकता। मरियम, आपके दौर में मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई की जगह खलाई मखलूक और महकमा ज़रात के नाम लिए जाते थे और आपने भी यहाँ खड़े होकर कहा था कि आपके लोगों को टेलीफोन कॉलें आ रही हैं और धमकियाँ आ रही हैं, तो अब जो इमरान खान साहब ने ये इल्ज़ाम लगाया टेलीफोन कॉलों का, तो आपकी हुकूमत क्या इन टेलीफोन कॉलों के हवाले से कोई तहकीकात करवाना चाहेगी? हमने तो सबूत दिए, नाम भी लिए, सबूत भी दिए और कॉल्स। अब ये जो बात कर रहे हैं, मुझे तो अल्लाह ताला की कुदरत पे कभी बहुत वो भी होता है, इंसान को ख्याल तो आता है कि कल जो कॉल्स करवा रहा था, कल जो ये सारी अथाड़ पिछाड़ करा रहा था, आज अल्लाह ताला की शान है कि वो आज कह रहे मेरे मेंबर्स को कॉल्स आ रही और ये कॉल्स को मना कर दो। और जब तुम लोगों को कॉल्स कराते थे तब हमें तो आती थी कॉल्स, हमें तो धमकियां भी आती थी, लेकिन हमने फेस किया। दो महीने बाद हमारा इंकलाब फौत में हो गया। अब कॉलों की तब्दील कर रही हैं आप, झूठ है भाई। मैं तो ये बिल्कुल है तो सबूत लिया हो सामने, ये एक्स वाई जेड क्या होता है, एबीसी पढ़नी शुरू कर दे तो है तो सबूत लिया हो ना। ये जो आपने पंजाब की बात की, देखिए वो अदालती हुकूमत है, वो नाजायज हुकूमत है, उसको इंशाअल्लाह ताला एक ना एक दिन खत्म होना है, जितनी जल्दी हो जाए उतना बेहतर। क्या क्या बात है इमरान खान साहब की जानिब से लॉन्ग मार्च के हवाले से तैयारियां कॉल दे दी गई है, क्या आप लोग पावर के जरिए उनको रोकेंगे या फिर कोई डायलॉग या फिर मुज़ाकरात के जरिए मामला को सेटल डाउन करने की कोशिश करेंगे? देखिए लॉन्ग मार्च हमने भी किए, बाकी जमातों ने भी किए। मैं जमहूरियत की हामी, मैं जमहूरियत में जमहूरी राय का एहतराम करती हूँ, लेकिन ये बात जमहूरी जमातों और ये जमहूरी लीडरान की, जो इंसान जत्थे लेकर आ जाए और कभी वो कहे कि प्राइम मिनिस्टर को गर्दन से निकालो, मार मार के पुलिस वालों की हड्डियाँ तोड़ दें और फिर जनरल रहीम शरीफ से मुलाकात करने रात के अंधेरे में हंसता हंसता निकल जाए, और उसके बाद वो जब कहे कि मैं इलेक्शन की डेट लेने आ रहा हूँ तो पूरे इस्लामाबाद को नज़र आतिश कर दें और जो इमलाक हैं उनको नज़र आतिश कर दें और जत्थे लेकर हमला आवर हो कि मेरी बात अगर नहीं मानी तो मैं आग लगा दूँगा। मैं इसको ना जमहूरी जमात समझती हूँ, ना जमहूरी रवैया समझती हूँ, ना जमहूरी लीडर समझती हूँ। उनको लॉन्ग मार्च की ज़रूरत थी कुछ थी तो उसके एक तरीके होते हैं, आप धमकाने के लिए नहीं कर सकते। और फिर वो सारा जो नैरेटिव दिया था उन्होंने कि मेरे ख़िलाफ़ साजिश हो गई, मुझे अमेरिका ने मेरे ख़िलाफ़ साजिश कर दी, बैनुल अक़वामी साजिश कर दी, आज उन्हीं लोगों को बुला के उनसे मिल रहे हैं, उनको पैसे दे रहे हैं कि मेरे दोबारा से ताल्लुकात जो हैं वो बहाल कराओ, तो किधर गई वो साजिश, जिसके नतीजे में हमने ये इनकलाब देखा था, गुलामी की जंजीरों से आज़ादी, इनकलाब लेके आ रहा हूँ, तो वो इनकलाब तो राणा सनाउल्लाह के डर से निकला ही नहीं। मरियम साहिबा, एक सेकंड, और उसके बाद अब आप देखें वो चलता हुआ वहाँ कुर्बानियाँ दी हैं इस ओहदे तक पहुँचे। और ये जो के नवाज शरीफ को नहीं अपॉइंट करना चाहिए, जरदारी को अपॉइंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उनकी चोरी को प्रोटेक्ट करते हैं, तो बात ये है कि अपनी भी इमरान खान साहब की चोरी, वो जो हीरों का हार था वो पकड़ी गई थी, तो असल में ये अपनी चोरियों को छुपाना चाहते हैं, बात और कुछ नहीं। वो याद है ना हीरों का हार जो चोरी हुआ था, ये सब जो है ना, ये सब ये ड्रामा है और ये पूरी दुनिया जानती है भाई। मैंने तो यही बात की, बिल्कुल यही बात की है कि जो मुलाकात की है रात के अंधेरों में, अगर की है तो बताओ ना कौम को, अपनी जमात को बताओ, अपनी कोर कमेटी को बताओ कि मैं किससे मुलाकात करके आया। इस कौम को किस की असल मसले की जड़ गया है, उन्होंने जो भी किया मुझे नहीं पता, पता उसके पीछे मुहरिकात क्या है, लेकिन एक राणा शमीम की गवाही नहीं, उसमें गवाहियों के अंबार लगे हुए,
उसमें जो तूफान आ गए हैं अल्लाह ताला उनकी बख्शिश करे। अरशद मलिक से लेकर शौकत अजीज सदीकी साहब, उन्होंने वो सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, वो सब कुछ की वीडियोज बनी हुई हैं, लोगों ने देखी हैं, सुनी हैं। शौकत अजीज सदीकी साहब ने जो इंकशाफात किए हैं वो उन्होंने लाइव किए थे लोगों के सामने, दुनिया ने सुने, उसकी गवाही को जुटलाएंगे। और जिस तरह ये नैब ने फरार इख्तियार किया है मेरे केस में, अभी नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह वापस आएंगे, उनके केस में भी दूध का दूध पानी का पानी हो गया, क्योंकि इंसाफ की जीत होके रहेगी मैडम। लेकिन फिलहाल जो मेरे केस में नैब की ने जो फरार इख्तियार किया, उसका मतलब यही है कि जो कुछ जस्टिस शौकत अजीज सदीकी साहब ने फरमाया था, जो जज अरशद मलिक ने कहा, जो राणा शरीफ साहब ने कहा कि वो हू बहू सच है, 100% सच है, उसको कोई झुठला नहीं। मैडम आपकी कार्रवाई से मुतमईन है? मैडम मैडम आपकी हुकूमत भी लड़ रहे हैं, आप कहते थे कि इमरान खान लड़ रहे हैं, अभी रात को मिस्टर एक्स वाई बोल रहे हैं, अब भी लड़ रहे हैं वो किसी के किसी। मैडम मैं एक बात बता दूं, वो जिसके लाडले है ना वो इमरान खान को लाडला नहीं समझते, वो अपना काम निकालना चाहते। मैडम मैडम ये बता दें, मैडम ये बता दें, आप क्या जिसमें उन्होंने इमरान खान साहब की मुख्तलिफ औकात में जो बातें मजहब के बारे में, इस्लाम के बारे में, कुरान की आयत के बारे से की, वो दिखाई, उसके बाद हमने देखा कि और उन्होंने कहा कि अगर आप ये बात करनी होती है तो या तो आप पढ़ के आया करें या आप इस पर बात ना किया करें। उसके बाद उनके खिलाफ पंजाब में भी दहशतगर्दी की दफा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और आज एपी में भी दर्ज कर लिया गया। तो मैम ये बताएँ कि वफाकी हुकूमत और मुस्लिम लीग नून के इस हवाले से क्या पॉलिसी? मुझे वफाकी हुकूमत और मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी का उस पर मैं बात नहीं करूँगी, मैं अपनी बात करूँगी और मैं सारी कौम की बात करूँगी। बात यह है कि जावेद नज़ीर पे मुकदमा बने या बाकियों पे बने, आप अपनी बात तो देखिए, आप क्या क्या रहे। आप कभी कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह से मैं कौम को आज़ाद करूँगा, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक से लोगों को आज़ाद करूँगा, ये आप किस किस्म की ज़बान बोल रहे हैं? कभी आप कहते हैं कि 140,000 पैगंबर आए हैं दुनिया में, कभी आप ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब अपनी सियासी जद्दोजहद में निकाल देते हैं, कभी आप ये कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस तरह अल्लाह ताला ने अपना पैगाम देने के लिए नबी नबूवत दी थी, इसी तरह मेरी जिम्मेदारी, आप क्या बातें करते हैं? ये आप क्या ऑल फॉल बकरे हैं? आपको अंदाज़ा भी है या आपकी मेंटल कंडीशन इतनी ख़राब हो गई है कि आपको ये पता नहीं है? और अगर स्लिप ऑफ टंग भी है तो फिर भी आपको शर्म आनी चाहिए। एक इंसान जो अवाम का अवाम से खिताब कर रहा है, अवाम के जहनों में अपनी बात डाल रहा है, उसको 10 दफ़ा रिहर्स करके, खास तौर पर जब मजहब का मामला आए तो 10 दफ़ा सोच के एक बात कह, फिर आप स्लिप ऑफ टंग कह के भाग नहीं सकते। तो ये इजाज़त पूरे पाकिस्तान में सिर्फ खान साहब को है कि वो जो चाहे कुफर बकें, ऑल फॉल बकें, उनको कोई पूछने इतराज उठाने वाले को सजा मिलती है या उस पर मुकदमा दर्ज होता है? मैडम आप ये बताएं, आपकी आपकी मैडम 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 उसके हवाले से हम चाहेंगे कि आप अपने पार्टी की तरफ से मैं उसकी मुलाकात करूँ। मैं राणा सनाउल्ला साहब से अभी कहूँ कि गाड़ी में बैठ मैडम आपकी